नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिग्विजय सिंह चौटाला का आज बड़ा बयान, चौकीदार ने ही देश को लुटवा दिया। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर के लंबी बैठकें चल रही है और होली के तुरंत बाद एक बड़ा और सकारात्मक फैसला आ सकता है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के उन्होंने कहा कि गठबंधन का ही प्रत्याशी होगा, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई। हिसार लोकसभा से श्रीमती नैना चौटाला लड़ सकती है चुनाव, लेकिन दिग्विजय सिंह चौटाला चाहते हैं कि बड़ा भाई दुष्यंत चौटाला ही हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। चौटाला ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सेना पर राजनीति करने के बजाय अच्छा होगा कि मोदी जी सेना को खुली छूट दे दें। हमारी सेना की ताकत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज भाजपा अपने स्वार्थ के लिए सेना को कमजोर करने पर तुली है। उन्होंने खुले मंच से कहा कि आज प्रजातंत्र का समय है, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज जो अपने आप को चौकीदार बता रहे हैं, असल में वे ही लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जेजेपी की अगर सरकार बनती है तो दुष्यंत चौटाला जहां पहली कलम से किसानों का पूरा कर्जा माफ कर देंगे, वहीं हरियाणा के युवाओं का भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार नौकरियां भी घर घर देगी। वहीं प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के नौजवानों को 75% नौकरियों में आरक्षण देंगे। किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों के कच्चे मकानों को पक्का कर रजिस्ट्री सहित देंगे। इस मौके पर कृष्ण भांबू ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और साथियों सहित भाजपा को छोड़कर जेजेपी का दामन थामा। वहीं उन्होंने इनेलो नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि ये लोग अब मानसिक व राजनीतिक तौर पर हार चुके हैं। इनके हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ये दो मर्जे का भाजपा नेता बराला अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पर कटाक्ष करते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जवाब देने की बजाय हंस देते हैं और कहते हैं कि हमारी भाजपा से गठबंधन हो सकता है। आप देख रहे हैं पलपल, एलनाबाद से एलडी स्वामी की ये विशेष रिपोर्ट। दिग्विजय जी, एक सुभाष बराला ने कहा है भी जो गठबंधन की पर्ची थी वो पाड़ कर फेंक दी है, तो इसमें आपको क्या लगता है चौटाला साहब की? ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अपमान है, उनका अपमान जननायक जनता पार्टी कभी भी नहीं सहेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हम सब के लिए आदरणीय हैं, थे और रहेंगे, और इतने बड़े लीडर जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हों, कल का नेता उनके बारे में तो इस तरह की छोटी बात है कि कहीं ना कहीं वृद्ध नेता के लिए जिसने हरियाणा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, ताउम्र हरियाणा के लिए संघर्ष किया, उनके लिए अगर ऐसी छोटी बात एक कल का नेता कहेगा तो फिर इसको हम सहन नहीं करेंगे। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें इसके लिए निंदा जो है ना, उनको उनकी पार्टी को निंदा प्रस्ताव इसके लिए देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि उससे भी ज़्यादा शर्मसार ये है कि इनेलो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही देन है, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष उस पार्टी को लेकर के किया, उस पार्टी के भी सीनियर नेता इस पर कुछ नहीं करें, ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वो अपने वृद्ध नेता के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई तो केवल मात्र जो है अपने लोग और लालच तक सीमित रह गई। वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, तो ये बड़ा चिंताजनक है। अब भी इनेलो से बयान है, करण चौटाला जैसे कहा भी भगवा और हरा एक होने वाला है, और अभय चौटाला ने भी कहा भी गठबंधन हो सकता है, तभी मैं हैरान हूँ। चलो गठबंधन तो होते टूटते बिखरते रहते हैं, इनका राजनीति के अंदर आना जाना चलता रहता है, गठबंधन चुनावी प्रक्रिया का एक तरीका है, मगर सिर्फ उस लोभ लालच में कि हम अपने लोगों को जिता पाए, मैं ये मानता हूं कि इतनी छोटी बात भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कहे उसको सहन कर लेना तो बहुत गलत। जेजेपी गठबंधन करेगी या जननायक जनता पार्टी सकारात्मक सोच की पार्टी है, हमारा नेतृत्व तो दुष्यंत जी का जो नेतृत्व तो है वो पॉजिटिव थिंकर है, हम हरियाणा के अंदर हर वर्ग के लोगों को साथ लेना चाहते हैं, हमारी इस सवारी में हम हर 36 बिरादरी के आदमी को जगह देना चाहते हैं, और उसके अंदर अगर कोई पार्टी ऐसी है जो वर्ग विशेष का नेतृत्व करती है तो उसको साथ लेने में, समान विचार के जो लोग हैं उनको साथ लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की बातें चल रही हैं, लंबे स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, जो कोई कमियां पेशियां हैं वो आपस के जो टॉप लीडर्स हैं वो डिस्कस करके उनको मिल करेंगे। मैं मानता हूं कि होली के बाद मैं
जो सोचता हूँ कि कोई अच्छी खबर हम सबके लिए आए। मतलब ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन तय है। मैं ये मानता हूँ कि अगर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो उससे बहुत मजबूती इस गठबंधन को मिलेगी और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प होगा। शहरी ग्रामीण दोनों ही तबके जो हैं वो मजबूती से और 36 बिरादरी मजबूती से इस चुनावी रुख को लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग भी होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के पार्टी के आलाकमान फैसला करेगी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मगर सम्मानजनक स्थिति में दोनों पार्टियों को रहना चाहिए और जब सीट शेयरिंग हो जाए उसके बाद मैं ही मानता हूँ फिर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सोच के चुनाव लड़ना चाहिए कि किसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट नहीं बल्कि गठबंधन है। अभी तक अगर मान लो ये तो अभी संभावना की बात है कि गठबंधन होगा और ईश्वर करे कि आपका जो जैसा आप सोच रहे वैसा ही हो, लेकिन अगर कल को गठबंधन की बात नहीं बनती है तो क्या सभी 10 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तैयार है, आपकी तैयारियां पूरी है? हम 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल पर और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में हर गली तक हमारा प्रचार जा चुका है, शहर के हर वार्ड तक हमारा प्रचार जा चुका है, हर कस्बे तक हर नुक्कड़ तक हमारा प्रचार जा चुका है। आज छोटे दुकानदार के यहाँ हो या खेत खलिहान में हो, खेल के मैदान में हो, किसी व्यापारी की दुकान में हो या कोई कर्मचारी हो, हर वर्ग जो है वो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जेजेपी के साथ खड़ा है। चुनाव निशान को लेकर अनिल विज मंत्री और अशोक तंवर से लेकर इनेलो तक ने टिप्पणी की है, तो इसके चुनाव निशान देखो बड़ा अच्छा निशान है, कॉमन मैन सिंबल है, यानी गरीब से गरीब आदमी के पैरों में जिसके पास साइकिल भी नहीं उसके पास चप्पल जरूर है, शायद इस समूचे राष्ट्र में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके पैरों में चप्पल ना हो, तो कॉमन मैन सिंबल है, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को, हर बिरादरी को, हर वर्ग को कनेक्ट, अगर किसी चीज़ पे आप कनेक्ट कोई होता है, कपड़े भी हम सब अलग अलग तरीके के पहनते हैं मगर हम सब चप्पल जरूर पहनते हैं, चप्पल जो है वो सबको कनेक्ट करता है, बड़ा अच्छा निशान है। और इस निशान ये जो राहु में मुश्किलात जो बीजेपी और कांग्रेस ने खड़ी करी है उस पर चलने के लिए हमारी जो है ना वो मदद करेगा। चप्पल जो है इसको एक एंगल देखने का, इसकी इंटरप्रिटेशन चौधरी देवीलाल जी का एक खड़ा हूँ, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हरियाणा का चौमुखी विकास हो। चप्पल जो है ये हमें झुकना सिखाता है, राजनीति में कमेरे वर्ग की तरफ देखने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, हमें ये समझना होगा कि जो आज अति पिछड़ा वर्ग है, जो आज हमारे दलित भाई हैं, उनकी समस्याएं क्या है, उनकी मुश्किलात क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, किसान जो छोटा किसान है उसके खेत में उसको क्या समस्या आती है, उसको समझने के लिए जब हम अंतिम छोर तक नजर डालेंगे कहीं ना कहीं चप्पल उसमें हमारी बात। भाजपा के मंत्री के तौर पर आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से आप किसे पसंद करेंगे? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, हम तो दोनों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 1987 का 89 का दौर लौटाना चाहते हैं जब कोई तीसरा विकल्प भी इस देश में खड़ा हो। क्या लगता है देश सिर्फ दो ही आदमी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? ऐसा प्रजातंत्र अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें दो प्रजातंत्र प्रणाली में नहीं, ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी भी है, मायावती जी भी हैं, उसके साथ साथ ये अखिलेश यादव भी है, बहुत से लोगों के नाम चल रहे हैं, बीजू पटनायक भी है। क्या लगता है आपको, लगता है 2019 का सिनेरियो क्या रहेगा लोकसभा में? मैं ये मानता हूँ कि जो रीजनल पार्टीज हैं जिस क्षेत्र में भी जो बीजेपी कांग्रेस को हरा सकती है लोग उनके साथ सवार होकर उन्हें मत देंगे, प्रधानमंत्री के पद का फैसला चुनाव के पश्चात। जी मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि आप दोनों में से किसी को भी अपना वोट नहीं दे? बिल्कुल स्पष्टता से हम अपना मत जो है वो राष्ट्रवाद के हितों की रक्षा के लिए, खेत में किसान के लिए, देश की सीमा पर जवान के लिए और इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए, बड़े बुजुर्ग के सम्मान के लिए, महिला नारी को शक्ति मिले, व्यापारी सशक्त हो और कर्मचारी की सोच की सरकार बने, वो व्यक्ति जो इस सब के लायक और काबिल होगा हम उसको। हिसार लोकसभा से नैना जी और दुष्यंत जी दोनों का नाम चल रहा है। मेरी इच्छा ये है कि दुष्यंत जी चुनाव विधानसभा कर लें, दुष्यंत जी का कल बयान आया है कि नहीं वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, अब ये तो उनकी इच्छा है और पार्टी की, मैं मानता हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप है, चुनावी कमेटी है 3 मेंबर की, उसने तय करना है कौन कहाँ टिकट पाता है। सिरसा लोकसभा से भी हम कई सारे उम्मीदवारों पर चयन प्रक्रिया पर नजर डाल रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हम जो उम्मीदवार देंगे वो मोस्ट रिलायबल
और पढ़ा लिखा उम्मीदवार देंगे, सशक्त मजबूत उम्मीदवार देंगे, ऐसा उम्मीदवार देंगे जो सबका प्यारा हो, सबको साथ दे, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सिर्फ ही है इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि घर का ही चुनाव, ये हमारे घर की सीट है, चौधरी देवीलाल जी का कर्ण क्षेत्र है, इलाहाबाद से परिवार का सदस्य चुनाव है। ठीक है, थैंक यू।